गौरचंद्राय राधिकाय कृष्णाय कृष्णभक्ताय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभयवश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः वदनाय कृष्णप्रेमप्रदाय कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतुसे नमः हे कृष्णकरुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त श्रीराधाकान्त नमस्तुते तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरि वृषभानुसुते देवे प्रणमामि हरिप्रिये वृन्दारे वसुदेवै प्रियाय केशवस्य च कृष्णभक्ति प्रददेवी सत्यवतै नमो नमः श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द बोल हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 जय। हम लोग प्रभुपाद का प्रभुपाद उपदेशा मुक्तों को श्रवण कर रहे थे। हम लोग ने श्रवण किया था वास्तव रूप में शिष्य कौन, वास्तव रूप में शिष्य कौन है। केवल दीक्षा मंत्र लेने से कोई शिष्य नहीं बन जाते, जब तक कि गुरुदेव का आदेश को जीवन में पालन नहीं करते। इसलिए गुरु जी की स्वरूप का क्या समझनी चाहिए, बल भगवान ही कृपा करके ये जगत में गुरु रूप में आए। कहते गुरुदेव कौन है, बोले कृष्ण का जो कृपा है वही कृपा ही एक मूर्ति रूप धारण करते हुए इसे संसार में आए। कभी किसी भक्त ने प्रभुपाद को प्रश्न किया, हम एक जीवन में कैसे भगवान हम मिलें। अगर इसी जीवन में हम भगवान को पाना चाहते हैं फिर हमको क्या करनी चाहिए जो एक जीवन में हमें ठाकुर जी की प्राप्ति हो जाए और हम भगवान को पास में चले जाए और जीवन में परम शांति और परम सुख की प्राप्ति हो। किसने प्रश्न किया तो प्रभुपाद इसका उत्तर देते हैं, बोले स्वतंत्रता परित्याग पूर्वक शरणागति होए गुरुवानुपत्ति निष्कपटे भजन कर ले एक जन्म ही सिद्धिया। तो प्रभुपाद कहते हैं तभी हम एक जीवन में भगवान को प्राप्त कर ले। कैसे, पहले तो अपना स्वतंत्रता को हम त्याग दें। स्वतंत्रता को त्याग दें मतलब हम जैसे चाहते हैं हम क्या करना चाहते हैं, हम जैसे चाहते हैं वैसे चलना चाहते हैं। कहते नहीं, हम जैसा चलते हैं ऐसे नहीं चल करके कैसे चला, बोले गुरुदेव जैसे चाहते हैं वैसे चलो। बोले गुरुदेव क्या चाहते हैं हमसे, गुरुदेव हमसे क्या चाहते हैं, बोले ये जगत में गुरुदेव आए क्यों, गुरुदेव है कौन। बोले गुरुदेव भगवान का निज जन है, भगवान को द्वारा प्रेरित हुआ ये महापुरुष है, इसलिए भगवान गुरुदेव को जगत में भेजा थे। इसलिए भेजा, हम सबके सब भगवान के सेवक हैं। कहते जीवेर स्वरूप है, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास, हम सबके सब भगवान का ही नित्य सेवक है। लेकिन इस जगत में फिर आए क्यों, बोले इसीलिए हम जगत में आए अपना स्वतंत्रता को अपव्यवहार करके। अपना जो स्वतंत्रता, जैसे आपने एक चाकू दिया, आप चाकू में दो काम कर सकते हो, सुंदर सुंदर फल को काट करके ठाकुर को भोग भी लगा सकते हो। अगर भोग लगा लो तो क्या होगा, चाकू का साथ में साथ, अगर किसका पेट में अगर मार दिया तो फिर क्या होगा, बताओ क्या, फिर जेल जाओगे।
एक चाकू से दो काम कर सकते हो। उसी तरह भगवान हमें स्वतंत्रता दिया। स्वतंत्रता मतलब होता है तुम जो चाहते हो वैसे करो, तुम जो चाहते हो वैसे करो। अगर हम अपना स्वतंत्रता को भगवान के भजन में लगा दिया, भगवान की भक्ति में लगा दिया, तो क्या होगा? पास सीधा ठाकुर के पास में चले जाएंगे। अगर हम ये स्वतंत्रता को भगवान की भजन में नहीं लगा देंगे, फिर अगर ये विषय भोग में लगा दिया, ये संसार का काम में लगा दिया, फिर बंधन का कारण बन गया। इसलिए हमारे मथुरा मठ में श्री गुरुदेव ने एक बड़ी सुंदर छवि बनाया, बड़ी सुंदर छवि है। आप लोग तो कोई गए नहीं मथुरा मठ में, बड़ा सुंदर छवि बनाया। वो छवि में ये दिखाया, एक तरफ में भगवान की जगत है और एक तरफ माया जगत है। तो जिधर भगवान का जगत है उधर प्रकाश प्रकाश है, उधर एक संत खड़ा हुआ है और उसका जो मार्ग दिखाया सीधा ठाकुर जी के पास में। दूसरे तरफ में माया की जगत दिखाए, वो दिखा रहे हैं जिधर केवल अंधकार ही अंधकार है, और उधर दिखाया एक माया खड़ी होकर के खड़ी होकर के वो बुला रही है तुम इस तरफ में आ जाओ। और जिधर भगवान की जगत है उधर एक साधु खड़ा हुआ है, वो कहता है इधर आ जाओ। बीच में एक व्यक्ति खड़ा हुआ, बीच में एक व्यक्ति खड़ा हुआ, उसमें ये दिखा रहे हैं माया की जगत में अगर जाओ, उदाहरण से दिखा रहे हैं। क्या दिखा रहे हैं? जहरीले सर्प है, शेर है, बाघ है, हैं चित्ते खड़े हुए हैं, और कोई शराब पी रहा है, अंधकार है, और जीव दुख ही दुख भोग कर रहा है। उधर जीव दुख ही दुख ही भोग कर रहा है, वो डायरेक्ट उसमें दिखा रहे हैं। अभी वो बीच में एक व्यक्ति खड़ा हुआ, अभी इधर संत भी बुला रहे हैं और इधर माया भी बुला रही है। माया कहती है देखो मैं कितना सुंदर, अगर इधर आओगे ना फिर तो क्या होगा, तुम मेरे सुंदरता को उपभोग करोगे। लेकिन उसको परिणाम क्या दिखा रही है? अंधकार अंधकार है, अंधकार अंधकार, दुख ही दुख है। आज इधर साधु खड़ा हुआ उधर क्या दिखा रहे हैं? उधर दिखा रहे हैं प्रकाश ही प्रकाश है, और सीधा मार्ग जा रहे हैं ठाकुर जी के पास में। अभी वो बीच में जो व्यक्ति खड़ा हुआ कभी इधर देखता है और कभी इधर देखता है, अभी वो सोच में पड़ जाता है मैं किधर जाऊं, मैं जाऊं तो मैं किधर जाऊं, इधर जाऊं ना इधर जाऊं, वो सोच में पड़ जाता है हमको क्या करनी चाहिए। लेकिन जो विशेष जो सौभाग्यवान व्यक्ति होते हैं वो जो साधु बुला रहा है ना, वो साधु का तरफ में जाते हैं और सीधा रोड कहाँ तक है? और ठाकुर तक है, ठाकुर तक है। लेकिन हम लोग जैसे दुर्भाग्य व्यक्ति, हमने माया की चाकचिक्यों को देख करके बोले माया कितना सुंदर है, हाँ कितने सुंदर माया है। हम लोग ने क्या किया? भगवान के तरफ में नहीं गए, हम सीधा माया में छलांग लगा दी। जब छलांग लगाया उसी समय माया ने क्या किया? हमें दो पोशाक पहन दिया। एक तो सूक्ष्म मतलब मन बुद्धि अहंकार और चित्त, कहते ये सूक्ष्म शरीर है जो अंदर में एक शरीर है, और दूसरा शरीर हमें पहना दिया ये ऊपर में जो हमें शरीर, ऊपर में जो शरीर हमें दिख रहे हैं, पता नहीं गलत क्या हो गया। इसलिए दो शरीर हमें पहना करके उन्होंने क्या किया, मैं बस दो शरीर पहना करके हमें ये माया में फेंक दिया। जब फेंक दिया ना, हम तो पूरा के पूरा ठाकुर को भूल गए, हम पूरा के पूरा भगवान को भूल गए। हम कौन है? भगवान के भगवान की संतान है। हमारी कर्तव्य क्या है? भगवान की भक्ति करना, सेवा करना। अभी भगवान की भक्ति छोड़ करके अभी हम माया की भक्ति कर रहे हैं हम अभी। लेकिन आप लोग तो भाग्यवान हो, सदगुरु का चरण आश्रय किया, संतों के संग किया, अभी आप लोग समझ रहे हो। क्या समझ रहे हैं? भगवान की भक्ति हमें करनी चाहिए। लेकिन जो साधारण लोग अभी क्या कर रहे हैं? वो अभी माया की सेवा कर रहे हैं। अगर जीव को पूछो तुम कौन हो, अगर हमें पूछा जाए आप कौन हो,
देखना हम असली परिचय नहीं देंगे, असली परिचय नहीं देंगे, हमने असली परिचय किया है जी भगवान की नित्य सेवा है, भगवान की नित्य दास है, अभी ये परिचय नहीं देंगे, हम सब अलग अलग परिचय देंगे। अरे मेरा नाम ये है, ये मेरे पति है, ये मेरी दुकान है, ये मेरे मकान है, और इसका मैं मालिक हूँ, पता नहीं कितने तरह तरह का परिचय देंगे। उदाहरण दिया, जैसे जब किसी व्यक्ति को पर भूत पकड़ लेना, लोग देखे हो जो जब भूत पकड़ता है उसका अपना स्वरूप भूल जाता है, भूल करके वो इधर उधर की परिचय देता है, हाँ वो वहां पर गया था, मैंने पकड़ लिया, मेरा नाम ये है, हमको गांव रहने वाले, लेकिन जो असली व्यक्ति है ना उसका परिचय नहीं देगा, वो भूत का परिचय देता है। उसी तरह अभी हम जितने परिचय दे रहे ना, हमें ये माया रूपी भूत हमें पकड़ लिया, हम असली परिचय कोई दे ही नहीं रहे हैं। इसलिए यहाँ पर कहते हैं जब ये जीव अपना स्वतंत्रता को छोड़ करके है, अपना स्वतंत्रता को छोड़ करके क्या करेगा ये जीव, जब ये जीव गुरु जी की आनुगत्य में है, गुरु जी की चरण में शरणागत होकर के निष्कपट रूप में भगवान की भक्ति करेगा, भजन करेगा, तभी ये एक जीवन में ये जीव क्या करेगा, एक जीवन में भी जीव ठाकुर जी के चरण में पहुंच करके परम आनंद, परम शांति और परम सुख को जीव को प्राप्त कर सकता है। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपना संपूर्ण स्वतंत्रता को हमें त्याग दे करके केवल निष्कपट होकर के भगवान की हमें भक्ति करना पड़ेगा, भजन करना पड़ेगा। फिर तो इसी जीवन में हम क्या करेंगे, ठाकुर जी के पास में फिर चले जाएंगे, फिर तो आनंद ही आनंद है। कहते उनका जो दसवा नंबर जो उपदेश है, कहते भगवान को जानने का उपाय क्या है, हम भगवान को कैसे पहचान सकते हैं, उनको जानने का कोई उपाय क्या है। तो प्रभुपाद कहते हैं बोले गुरुदेव श्रीमुख है भगवान कथा श्रद्धा पूर्वक सुनते रहिवे, गुरुपाद पद में प्रकृति व्यतीत भगवान के जानवार अन्य उपाय नाही, जिन्हें गुरुपाद पद में शरणागत हर तिन्हीं भगवान के जानते पारे। कहते भगवान को कैसे हम समझ सकते हैं, जानने का उपाय क्या है। कहते पहले तो गुरु जी की मुंह से श्रद्धा पूर्वक भगवान की कथा सुनना पड़ेगा, है गुरु जी के चरण में श्रद्धा पूर्वक भगवान की कथा सुनना पड़ेगा। गुरुदेव हमें क्या बताएंगे, क्या हमें गुरुदेव क्या बताएंगे, गुरुदेव हम बताएंगे वास्तव रूप में हम कौन है। इसलिए श्री भक्ति विनोद ठाकुर का एक कीर्तन है, बोले क्या में कोथाए छिला कि करते एथाएला कि बा काज करे गेला जाबो कोथा शरीर पता। सबसे पहले हमारे अंदर में ये प्रश्न जगनी चाहिए, बोले कौन सा प्रश्न, बोले मैं कौन हूँ, मैं कौन है, फिर मैं कहाँ था, फिर हमें यहाँ पर अनाई क्यों पड़ा, फिर इसको बाद में हमारे पिताजी के पिताजी के पिताजी पिताजी भी गए, फिर हमें भी एक दिन जाना पड़ेगा, फिर जाएंगे कहाँ हम, फिर जाएंगे कहाँ, फिर हम है कौन। कहते सबसे पहले ये प्रश्न हमारे अंदर में आनी चाहिए, सबसे पहले ये प्रश्न आनी चाहिए। अगर ये चीज अगर समझ गए ना, मैं कौन हूँ, बताओ हम कौन है, हम भगवान की नित्य दास है, हैं? फिर हम पहले थे कहाँ, फिर हमें यहाँ पर क्यों आना पड़ा, फिर इसको बाद में हम कर रहे हैं क्या, फिर इसको बाद में जाना कहाँ पड़ेगा। अगर इस प्रश्न का उत्तर अगर हम सही सही मिल गया ना, फिर तो समझे हमारी कल्याण हो जाएगी, हैं? हमारी कल्याण हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर कह रहे जब गुरु जी का मुंह से भगवान की हम कथा सुनेंगे, हैं? अपनी असली परिचय को हम समझ जाएंगे, फिर अगर असली परिचय समझ जाएंगे तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम ठाकुर जी की भक्ति करेंगे, भगवान का भजन करेंगे। हर कलयुग में भगवान सबसे सरल उपाय बताए ठाकुर को जानने के लिए, मार्ग किया है
बोले हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। बार जो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। फिर हम गुरु जी की चरण में हम शरणागत हो जाएंगे। बोल गुरुदेव हमें कृपा करके क्या करो, ये भवसागर से हमें उद्धार करो, भवसागर से हमें उद्धार करो। फिर जब हम गुरु जी की चरण में शरणागत हो जाएंगे फिर क्या होगा, जैसे कल हम लोग श्रवण कर रहे थे ना, जब श्री नारद जी व्यास देव के पास में आए हैं, फिर व्यास देव को जब व्यास देव ने प्रश्न किया, गुरुदेव मैंने तो बहुत सारे ग्रंथ लिखा है जैसे आत्मा को शांति मिले, लेकिन मुझे ही शांति नहीं मिल रहा। जब मुझे ही शांति नहीं मिलता है फिर जीवों को शांति कैसे मिलेगा, गुरुदेव आप बताओ शांति कैसे मिलेगी। फिर श्री नारद जी ने क्या बताया, बोले बेटा तुमने तो बहुत कुछ किया, तुमने बहुत कुछ किया लेकिन असली काम ही नहीं किया। हम भी संसार में देखना शांति सुख पाने के लिए क्या क्या नहीं करते हैं, क्या क्या नहीं करते। पहले तो 20-25 साल तक लिखाई पढ़ाई किया, कभी शांति नहीं मिली। सोचा कोई नौकरी कर ले शांति मिल जाएगी, उसके बाद में भी नहीं मिली। उसके बाद में सोचा शादी अगर कर लेंगे तभी शांति मिल जाएगी, वो भी कर लिया। फिर सोचते बच्चे अगर जन्म दे देंगे तभी शांति मिल जाएगी, वो भी कर लिया। फिर सोचे बच्चों को शादी करवा किसा शांति मिल जाएगी, वो भी कर लिया। फिर सोचे बच्चे का अगर बच्चे हो जाएगा तभी शांति मिल जाएगी। हम भी संसार में ये शांति सुख के लिए हम भी जिंदगी भर सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जो असली काम जो है उसको नहीं कर रहे। असली काम क्या है, इसलिए श्री नारद जी कहते हैं जता धर्म दहस्तार था मुनि पर ज्ञान कीर्ति तो न तथा वासुदेव सब महिमा जन वर्णित। तुमने तो बहुत काम कुछ किए हो है, बहुत कुछ बताया, लेकिन जीव का जो असली स्वरूप है, जीव का जो असला असली जो कर्तव्य, इसी विषय पर तू बोला है। भगवान की भक्ति की, भगवान की लीला चरित्र, भगवान की कथा के बारे में बताया है, इसलिए तुम्हें शांति नहीं मिल रहा है। अगर भगवान की भक्ति भजन भगवान की महिमा को गाओगे ना तभी जीव को परम शांति मिलेगी है। ऐसे श्री ध्रुव महाराज जी वो भी तपस्या प्रभु को पाने के लिए निकले, लेकिन प्रभु को पाने के लिए व्याकुल हो गए, लेकिन जब भगवान नारद जी को भेजे जाओ उसको उपदेश दे करके आओ और उसको मेरे प्राप्ति का मार्ग बता करके आओ, जब उन्होंने बोले जाओ तुम भगवान की भजन करो और उन्होंने मंत्र मंत्र दिए, क्या मंत्र दिए, बोले ओम नमो भगवते ये मंत्र को तुम जप करो और इसी मंत्र को द्वारा क्या होगा, भगवान एक दिन तुम्हें दर्शन देंगे, दर्शन देंगे तो परम शांति मिलेगी। जब उन्होंने ये मंत्र को जप की ठाकुर ने क्या किया, ठाकुर जी उसको दर्शन प्राप्त की। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं तभी इसी जीवन में हमें भगवत प्राप्ति तभी हो सकती है जो गुरु जी की चरण में शरणागत होकर के उनके अनुगत में भगवान की भक्ति करेंगे, तभी जीवन में हम परम शांति परम आनंद की प्राप्ति होगी। यहाँ पर कह रहे हैं अभी भगवत प्राप्ति की केवल एक उपाय है, क्या है, कलयुग केवल नाम आधारा और सुमिरि सुमिरि नर तनि भाई। कलयुग में भगवान सबसे सर्वव्यापी है, यही टिकट है, अगर ये टिकट बना लिया ना सीधा ठाकुर के पास में जा सकते हैं, यही टिकट है। अभी यहाँ पर कह रहे हैं लेकिन भगवत नाम करने के लिए अभी प्रश्न, हम तो भगवान का नाम जप कर रहे हैं पर हमें फिर भगवत प्राप्ति क्यों नहीं हो रही, कारण क्या, बोले कारण है कहते नाम जप करने के लिए हमें 10 तरह का अपराध को त्याग करना पड़ेगा। कितना तरह का अपराध है, 10 तरह का अपराध, क्या क्या है, एक दो बता दो, बता और क्या है, भगवान के नाम के प्रति अपराध
इसलिए बताया 10 तरह का नामा अपराध है। जैसे हम किसी डॉक्टर के पास में जाएंगे, हमें कोई बीमारी है, डॉक्टर बोलेगा देखो दवा तो बहुत बढ़िया दे रहा, लेकिन इसको परहेज को साथ में दवा लोगे तो ये दवा जल्दी जल्दी असर करेगी। अगर परहेज को साथ में कहते 10 तरह का जो नामा अपराध है कहते यही परहेज है। अगर ये परहेज को करते हुए अगर भगवान के नाम जप करेंगे फिर क्या होगा, जल्दी से जल्दी हमें भगवत प्राप्ति हो सकती है। तो प्रभुपाद यहाँ पर एक अपराध का नाम बता रहे हैं, कहते वो अपराध क्या है, कहते सबसे बड़ा नाम अपराध क्या है, कहते सबसे बड़ा नाम अपराध है गुरुदेव मनुष्य बुद्धि ही मारात्मक अपराध भीषण नाम अपराध। कहते सबसे जो बड़ा अपराध है अपना गुरु जी का प्रति है साधारण मनुष्य बुद्धि करना, कहते ये सबसे बड़ा अपराध है। क्योंकि जो भक्ति जगत में जो गुरु है ना, भक्ति जगत में जो गुरु है ये मूल जो गुरु जी का प्रति जो निष्ठा, यही जैसे कोई बिल्डिंग बनाओ अगर उसका नींव अगर सही नहीं होना उसको ऊपर बिल्डिंग खड़ी नहीं हो सकती। अगर नींव बढ़िया हो उसको ऊपर एक मंजिल बना दो, दो मंजिल बना दो, तीन मंजिल बना दो, चार जितना मंजिल बना सकते हो बना सकते हो, अगर उसका नींव अगर गड़बड़ी है ना फिर तो आगे ये मकान बन ही नहीं सकती। क्या उसी तरह का भक्ति जगत में नीम क्या है, नीम है अपना गुरु जी के प्रति तुम्हारी निष्ठा, तुम गुरु जी का प्रति तुम्हारी निष्ठा। अगर तुम्हारी गुरु जी का प्रति तुम्हारी निष्ठा ही नहीं है, साधारण बुद्धि है, कद भैया भक्ति जगत में आगे फिर तुम बढ़ ही नहीं सकते हो, आगे तुम भक्ति जगत में बढ़ ही नहीं सकते हो। इसलिए हमारे श्री चैतन्य चरितामृत में बताए बोले यद्यपि अमर गुरु चैतन्य दास तथापि जानिए अमित तार प्रकाश। इसका मतलब है केवल कृष्ण ही जगत में एक भगवान है और जगत में जितने जीव है सब भगवान की सेवक है। देखो श्री बलदेव ये कौन है, क्योंकि कृष्ण से अभिन्न है, केवल कृष्ण देखने में काले और बलदेव प्रभु देखने में गोरे, इतना ही है और कुछ नहीं, दोनों बराबर ही है। कृष्ण स्वयं अपना सेवा शिक्षा देने के लिए उन्होंने श्री बलदेव रूप में प्रकट हुए, बलदेव प्रभु रूप में प्रकट हुए, लेकिन वो अभिन्न होते हुए भी श्री बलदेव प्रभु क्या करते हैं, सारा दिन ठाकुर जी की सेवा करते हैं। मतलब केवल अकेले कृष्ण श्री कृष्ण और जगत में सबके सब दास, दास होने पर फिर हमारे गुरुदेव कौन हुए, मतलब हमारे गुरुदेव भी भगवान की तरह दास है, ठाकुर का दास है। लेकिन एक जो शिष्य है, लेकिन गुरु जी का प्रति एक शिष्य का क्या भावना रहनी चाहिए, लेकिन गुरुदेव का प्रति शिष्य समझेगा तथा भी जानिया हमें ताहर प्रकाश, मतलब है कृष्ण ही हमारे ऊपर में कृपा करने के लिए ही इस जगत में श्री गुरुपाद पद्म रूप में जगत में आए, ये भावना होनी चाहिए। इसलिए भगवत अभिन्न बुद्धि होनी चाहिए। इसलिए कहते हैं गुरुदेव का प्रति कभी मनुष्य बुद्धि, कभी साधारण इंसान बुद्धि नहीं आनी चाहिए। कभी कभी हम लोग सोचते हैं ना, अरे हम भी खाते हैं और गुरुदेव भी खाते हैं, और हम भी सोते हैं गुरुदेव भी सोते हैं, हम भी घूमते हैं गुरुदेव भी घूमते हैं। कहते इसलिए अगर गुरु जी का प्रति साधारण बुद्धि होगा ना, कहते भक्ति जगत में तुम बढ़ नहीं सकते हो, भक्ति जगत में बढ़ नहीं सकते हो। इसलिए कहते सबसे भीषण अपराध गुरु ते मर्त बुद्धि मिले कोटि जन्मे वो हमारे मंगल होना। गुरु जी का प्रति अगर हमारी मर्त बुद्धि हो, मर्त बुद्धि मतलब साधारण ज्ञान होना, कहते किसी जीवन में हमारी उधार होना बड़ा कठिन है। तखन नाना विघ्न से आमा दिग के अभिलाष सागरे भाषा या विवर्ण कर। यहाँ पर कह रहे हैं जब गुरु जी का प्रति तुम्हारी साधारण ज्ञान होगी फिर भक्ति जगत में तुम्हारी तरह तरह का बाधाएं आएगी, भक्ति जगत में तुम्हारी तरह तरह का बाधा आएगी और तरह तरह का हमारे हृदय में कामना वासना आ करके और ये संसार में हमें 14 ब्रह्मांड और 84 लक्ष योनि में फिर हम भटकते रहेंगे। एक गुरुपाद पद्म व्यक्ति तो आर केवल आमादि के दुस्संग हाथ है ते रक्षा करते पार बिना।
जब भगवान की भक्ति करने के लिए प्रभुपाद कहते हैं हमें असत संग से दूर रहना पड़ेगा। जो व्यक्ति भगवान की भक्ति के विरोध है, भगवान की भक्ति नहीं करते हैं, जो असत संग है, हमें भगवत भक्ति से जो विमुख करने वाले वहां से थोड़ी दूर रहना पड़ेगा। देखो जगत में जो मेन संग है, हम लोग इतने सवेरे सवेरे अब देखना कोई व्यक्ति क्या करता होगा, रजाई बोल करके सोते होंगे ना, अक्सर सोते होंगे ना, लेकिन लेकिन आप देखना सवेरे सबसे बढ़िया नहीं, सबसे सवेरे आती एकदम सबसे बढ़िया नहीं, लेकिन लेकिन आप लोगों ने क्या किया, भक्तों का संग की वजह से जिस समय लोग सोते रहते हैं लेकिन उसी समय में रजाई को छोड़ करके, हैं आपको पता होगा कितना कठिन है, फिर ठंडे पानी में नहा करके फिर डिनर करते हुए फिर आप लोग कहाँ कर रहे मंगलारती, भगवान की मंगलारती में आए क्या, बैठ कर क्या सुन रहे ठाकुर जी की कथा, सुन रहे भगवान की कथा, क्या ठाकुर देख नहीं रहे, ठाकुर जी सब कुछ देख रहे, ठाकुर जी सब कुछ देख रहे हैं। इसलिए श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं जब ये जीव ठाकुर जी को पास में जब चले जाते हैं ठाकुर जी उसको हर एक एक चीज याद करवाते हैं। ठाकुर जी कहते देखो तुम ये मत समझो मैंने कुछ देखा नहीं, ठाकुर जी कहते हैं मैंने सब कुछ देख रहा था, तुम्हारे पीछे खड़े होकर मैंने सब कुछ देख रहा था, तुम क्या कर रहे थे। जैसे कोई शादी विवाह है, हैं किसी शादी विवाह में गए, सब लोग बड़े चमक धमक पहन कर जाते हैं, सबको दुनिया को दिखाने के लिए चमक धमक पहन कर, लेकिन भक्त क्या करता है, साधारण कोई कपड़े पहन कर चले जाते हैं, हाँ साधारण, फिर शादी में देखना प्याज लहसुन डाला होगा हर चीज में, कोई भी शराब पीता है, कोई मांस मछली भी खाता है, शादी में तो यही चीज होता है, लेकिन भगवान के भक्त लोग क्या करते हैं, सब जिस चीज में प्याज लहसुन नहीं होगा, हाँ जो शुद्ध होगा बस दही भला ले लेते हैं, नहीं तो चाट मसाला थोड़ी ले लिया जिसमें प्याज लहसुन नहीं उसको खाकर पेट भर लिया, लेकिन साधारण लोग क्या करते हैं बाहर चना चर खाते रहते हैं। इसलिए यहाँ पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं मेरे भक्त लोग क्या करते हैं अपना मन को मार करके, अपना मन को मार करके मेरे सुख के लिए, हैं दुनिया के सुख के लिए नहीं मेरे सुख के लिए अपना मन को मार लेता है, क्यों नहीं प्याज लहसुन नहीं खाएंगे हमारे भक्ति में बाधा पड़ेगी हमारे भक्ति पर, इसलिए अपना मन को मार करके मेरे सुख के लिए करता है। भगवान उसको याद करा रहे, जब ठाकुर के पास जीव जाएगा ना, ठाकुर जी आपको एक एक चीज, ठाकुर जी आप कॉपी में लिख रहे हैं, कॉपी में सब लिख रहे हैं ठाकुर जी, ठाकुर जी एक एक चीज तुम्हें वहां जब जाओगे ठाकुर जी याद दिलाएंगे मैंने सब चीज को मैं देख रहा था, मेरे लिए तुम कितने कष्ट कर रहे थे, मेरे लिए तुम कितने कष्ट कर रहे थे, ठाकुर जी एक एक चीज को ठाकुर जी याद दिलाते हैं। ये मत समझो ठाकुर जी कोई चीज को देख नहीं रहते, तभी तो आप ठाकुर के पास में जाओगे ना, तभी तो ठाकुर को, क्यों ठाकुर जी के लिए इतना जो कष्ट कर रहा है, सवेर मंगल आरती में आ रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, भगवान का कीर्तन कर रहे हैं, ठाकुर जी का नाम जप कर रहे हैं, आप सोच नहीं सकते इसका कितना फल मिलेगा, जब ऊपर जाओगे ना जब कापी मिलेगा ना सब लिखा हुआ मिलेगा, गौरव में क्या क्या कर रहे हैं, सारी चीज एक चीज मिलेगी, सारी चीज मिलेगी। इसलिए यहाँ प्रभुपाद कहते हैं कहते हमें ये असत संग से हम दूर रहना पड़ेगा, क्योंकि जैसे संग करोगे ना वैसे हमें कैसे बताएगा, जैसे संग एक शराब जो साथ में बैठ गया बोला अरे एक बार पी लो ना रोज थोड़ी पीते रहो, है बोले नहीं हम तो भाई पीते नहीं, बोले रोज रोज थोड़ी एक बार पी कर देख है कितने बस पीते 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 फिर पीना शुरू कर देता है, लेकिन जो भगवान जो भक्तों का संग करते हैं तो चलो गौर मठ में चलो कथा सुन करके आएंगे ठाकुर जी का आरती दर्शन करेंगे आत्मा को शांति मिलेगी, फिर धीरे धीरे क्या करते हैं उनको भी भक्त बना देते हैं। इसलिए कहते हैं हमें असत संग से कौन बचाएगा, बोले सुनो गुरुपाद पद्मा में ये असत संग से हमें रक्षा करेंगे। इसलिए गुरु के मनुष्य बुद्धि खाकार जन्य ही जीव तत्पाद पद में आत्मनिवेदन करते पारे ना, यदि जीव ठाकुर जी के चरण में बा गुरु जी के चरण में आत्मनिवेदन क्यों नहीं करता है, सर्वस्व क्यों नहीं देता है, कारण है उनको गुरु जी का प्रतियोगी साधारण बुद्धि है, अरे हम भी जैसे गुरु जी भी जैसे हमसे क्या है, हम भी खाते पीते सोते गुरु जी खुश करें, नहीं गुरु जी का प्रति
कभी ये बुद्धि नहीं रखनी चाहिए। क्योंकि सबसे बड़ा अपराध में सबसे बड़ा ये अपराध है। यहाँ पर कह रहे हैं, कोई व्यक्ति प्रश्न कर रहा है, कहते भैया जो आचार्य, आचार्य मतलब जो गुरुदेव है, हैं? जो गुरुदेव है, हैं? वो करते हैं क्या, उनको क्या लक्षण है, हैं? उनकी क्या लक्षण होनी चाहिए, उनका क्या काम होनी चाहिए, करते हैं क्या। तो प्रभुपाद कहते हैं, कहते आचार्य भगवानेर संवाद वाहक, संवाद वाहक है। वो क्या करते हैं गुरुदेव, कहते श्री भगवान का संवाद वाहक है, मतलब भगवान ने जो उपदेश दिया है गुरुदेव वही उपदेश को है, जैसे जो पियर होता है ना, डाकिया होता है, उसका काम किया है, जो पैसा आया है वो पैसा को वहां से ला करके उनको देना है। उसी तरह जो गुरुदेव आचार्य लोग हैं, ठाकुर ने जो बात बताई वो अपना मनमानी कोई बात नहीं कहते, नहीं मैं कर रहा हूँ ये काम को करो, नहीं, ठाकुर जी जो कहते हैं, हैं? हमारा शास्त्र जो कहता है वो बात को वो बताते हैं, अपना मनमान ढंग से नहीं करते हैं। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु जब राय रामानंद को पूछा, बताओ तो राय रामानंद कह राय साध्य निर्णय, जीव का क्या लक्ष्य है, जीव का लक्ष्य क्या, जीव को क्या करनी चाहिए। तो उन्होंने एक बंगला भाषा में उन्होंने एक प्यार को बताया, जब बंगला भाषा में बताए तब श्री चैतन्य महाप्रभु कहते देखो तुम अपने आप बना करके मत कहा करो, तुम ये बताओ शास्त्र में क्या बताया गया, हमारी शास्त्र में क्या बताया गया वो बात को तुम बताओ, हैं? क्यों जो शास्त्र है ये अपौरुष है वाणी, हैं? ये भगवत वाणी, ये शास्त्र है, बोले धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतम, धर्म को किसने प्रणीत किया, बोले भगवान स्वयं, ठाकुर जी स्वयं। गीता किसकी वाणी है, कभी कृष्ण का वाणी है, भागवत किसका वाणी है, कभी भगवान की वाणी है, भगवान सर्वप्रथम ब्रह्मा को चतुश्लोक रूप में उन्होंने प्रदान किया है, और श्री व्यास देव कौन है, बोले व्यास नारायण स्वयं, ये व्यास देव नारायण है। इसलिए कोई भी बात जब हम बताएंगे आप मत बताए पर नहीं, हमारी गीता ऐसे कहता है, हमारे रामायण में ये लिखा हुआ, ये श्रीमद भागवत ग्रंथ में लिखी हुई है। इसलिए महाप्रभु कहते सकल प्रमाण दिवे पुराण वचन, जब कोई बात को बताओगे अपना मनमानी से नहीं कह करके शास्त्र से बात को बताओ तो वो प्रमाण युक्त होगा, हाँ, फिर उसमें शक्ति रहेगी, उसमें शक्ति रहेगी। कहते आचार्य हुए हैं जो भगवान का जो संवाद, भगवान ने जो बात बताए वही बात को जो हमारे पास में ला करके रख लेते हैं, कहिए आचार्य का काम है। बोले तिनी वैकुंठ रे संवाद आमादर काछे एनते, कहते आचार्य कौन है जो वैकुंठ का भगवान की धाम की ना, जो संवाद है वो हमारे पास में ला करके पहुंचा देते हैं। अगर ऐसे करोगे तो ठाकुर जी कहते हैं तुम्हारे कल्याण होने वाले हैं। इसलिए गुरु मुख विगलित सही वैकुंठ संवाद केवल मात्र सेवन मुख कर्ण द्वारा ग्रहण करता है वे। के तो गुरु जी का जो उपदेश को, जो वैकुंठ का जो कथा है उसको कैसे सुननी चाहिए, बोले सेवन मुख कर्ण द्वारा ग्रहण करता है वे, बोले वो कथा को सेवन मुखी वृत्ति को द्वारा कथा सुननी चाहिए। बोले सेवन मुखी वृत्ति मतलब क्या होता है, हैं? इसलिए देखो शास्त्र में बताया अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्य इंद्रियई सेवन मुखै जिह्वालो स्वयमेव स्फुरतु। इसलिए हर समय हमारे अंदर में ना सेवा करने की वृत्ति रहनी चाहिए, सेवा लेने के लिए नहीं, कोई मेरे सेवा करिए नहीं, हर समय क्या, कब हम गुरु वैष्णव भगवान की कब हम सेवा करेंगे, जब तक सेवा नहीं करेंगे ना तब तक मेवा नहीं मिलेगा। इसलिए पहले सेवा करनी चाहिए, पहले सेवा करनी चाहिए, जो जितने सेवा करेगा उसका हृदय में भगवत भक्ति उतना ही प्रकट होगा। इसलिए कोशिश करना किससे सेवा लेने के लिए नहीं,
जितना दूर हो सके दूसरे की हम जैसे सेवा कर सके। इसलिए हमारे उपनिषद में आया बोले जिस समय एक समय एक बात किसी जगत में आई तक अगर वो ब्रह्म तत्व को आत्म तत्व को अगर पहचान लेना फिर जगत का जन्म मृत्यु दुख कष्ट चिरकाल के लिए समाप्त हो जाता है। लेकिन वो ब्रह्म तत्व आत्म तत्व मिलेगा कहाँ से बोले पितामह ब्रह्मा जी से। इसको सुन करके ये बात को सुन करके कहते जो दैत्यों का जो राजा है दैत्यों का राजा जो था और जो देवता का राजा कौन है इंद्र और दैत्यों का राजा कौन था दैत्यों का राजा कौन था कहती है विरोचन। कहती ये दोनों ने क्या किया गए ब्रह्मा जी के पास में ब्रह्म विद्या को पाने के लिए बोले आप कृपा करके हमें ब्रह्म विद्या बताओ। हमने सुना ये ब्रह्म विद्या को जो जान लेते हैं ना फिर जगत का जन्म मृत्यु समाप्त हो जाता है फिर ठाकुर के पास में चले जाते हैं आप कृपा करके हमें ब्रह्म विद्या बताओ। लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं बोले बोले एक काम करो जाओ तुम दोनों जा करके 25 साल तक बोल गैया की सेवा कितना साल 25 कितना साल 25 उन्होंने कुछ ज्ञान नहीं पता बोले 25 साल तक जाओ ये गैया की सेवा करो 25 साल तक गुरु जी की गैया की सेवा करते हुए जब वापस आए बोले आप कृपा करके बताओ हमें ब्रह्म विद्या बोले एक काम करो एक पात्र में पानी लेकर के आओ। तो एक पात्र में पानी लाए जब पानी लाए तो उसको झांक करके देखो जब उन्हें झांक करके देखा अपना परिचय दिखाई पड़ा जब अपना परिचय दिखाई पड़ा बोले देखो वो जो ब्रह्म है ना ये जो परिचय दिख रहा है यही ब्रह्म है बस। उसको जो विरोचन था चला गया और इंद्र भी गया जब गए थोड़ी दूर जाते ही इंद्र सोचने लग गया बोले ये कैसे ब्रह्म हो सकता है क्योंकि तो शरीर का परिचय था ना लेकिन एग्जैक्ट शरीर तो धीरे धीरे हाँ बच्चे होकर जन्म हुए धीरे धीरे बड़े जवानी आई फिर धीरे धीरे उम्र ढलने लग गई बाल पकने लग गया दांत टूट जाते हैं शरीर हाँ चमड़ी ढीली हो जाती है और कुछ दिन बाद में फिर रामना सत्य हो जाते हैं। फिर उन्होंने बताया ये शरीर ही ब्रह्म ये कैसे शरीर तो एक दिन नष्ट हो जाएगा शरीर तो 5 चीज से बनी हुई है हाँ क्या क्या 5 चीज है अग्नि वायु जल आकाश और पृथ्वी ये शरीर की तो नश्वर वस्तु है और अंदर में टाटी पेशाब खून पी पर ये शरीर कैसे मृत्यु हो सकता है हाँ फिर वो वापस आए। लेकिन विरोचन ने किया क्या जब वापस गया ना दैत्य लोग ने पूछा गुरुदेव बताओ आप तो हमारे राजा हो ब्रह्मा जी ने क्या आपको ब्रह्म विद्या दिया उन्होंने बोले ब्रह्म विद्या विद्या कुछ नहीं उन्होंने पानी में जो परिचय दिखा ना बोले यही ब्रह्म है। इसका मतलब है ये शरीर सब कुछ है इसको खिलाओ इसको पिलाओ इसको भोग कराओ इसको सजाओ बस यही सब कुछ है। कहते किसका विद्या बोले राक्षस विद्या है राक्षस लोग क्या करते हैं शरीर को कैसे खुश रखो ये शरीर को कैसे सुस्त रखो लेकिन शरीर ऊपर भी कोई आत्मा नाम कोई चीज है जिसकी इनकी धारणा की बाहर है कभी राक्षस विद्या ही है सबके सब। लेकिन इंद्र संतुष्ट नहीं हुआ वापस आया बोले नहीं आप तो मेरे को ठग दिया आप बता बोले और 25 साल जाओ फिर 25 साल सेवा करो गई आगे 25 साल बाद जब आए बोले देखो जब सो जाते हैं ना जो स्वप्न देखते हो स्वप्न में जो चीज देखती है वही ब्रह्म है। जब उन्होंने थोड़ी दूर गए भैया ये कभी गलत लगता है बोले क्यों आप देखना कभी स्वप्न हमने देखते हैं राजा बन गए हैं राजा बन गए और विश्व ब्रह्मांड का राजा हम बन गया ये हो गया बहुत कुछ स्वप्न देखते हैं। जब नींद खोलती ना देखना वही बिस्तरा में है हट्टे फट्टे बिस्तरा में लेते हुए लेकिन स्वप्न हमने क्या क्या देख लिया है कहते भैया ये कैसे सत्य हो गया ये भी झूठा है फिर वापस आए तो फिर बोले और 25 साल तुम क्या करो फिर गैया चराओ। जब फिर वापस आए तो देखो जो सुसुप्ति मतलब होता है आप देखा कभी कभी हम इतने गहरा नींद में सो जाते हैं कुछ किसी चीज का उद्भूत नहीं रहता किसी चीज को उद्भूत नहीं रहती है
और जब तुम एकदम गहराई में सो जाते हैं ना तो सुसुप्त अवस्था यही ब्रह्म विद्या है। बोले भैया जब सो जाते हैं मरे मरे जैसे सो जाते हैं तो ये कैसे ब्रह्म विद्या? फिर वापस आए बोले और फिर 25 साल गया चरा हूं। जब उन्होंने 100 साल तक गया चराया उसको बाद में फिर उन्होंने ब्रह्म विद्या उन्हें प्रदान की। इसलिए यहाँ पर कहते हैं हमारे अंदर में क्या भावना रहनी चाहिए? सेवा करनी। क्या और रहनी चाहिए? जब तक सेवा नहीं करोगे ना तब तक विवाह नहीं मिलेगी, तब तक विवाह नहीं मिलेगी। देखो ये दुनिया में देखो हम संसार में सबको खुश करना चाहते हैं, कैसे? सेवा करेंगे ना। पति कब खुश होगा? जब सेवा करोगे। बच्चे कब खुश होगा? जब सेवा करोगे। तब तो खुश होते हैं ना, है? तब तो खुश होते हैं। ये दुनिया में देखना जब तक किसी का सेवा नहीं करो ना कुछ नहीं होगा। उसी तरह जब हम ठाकुर जी की सेवा नहीं करेंगे, भगवान खुद कहते हैं जैसे एक पति व्रता नारी पति की सेवा करते 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 इतने वसूल कर देता है, पति 1 महीना काम करेगा जो तनखा आएगा ना वो सारे के सारे पैसा किसको दे देता है? किसको देता है? आपको देता है कि नहीं? पति सारे पैसा पत्नी को दे देती है। लेकिन उसको अगर 100 रुपया मांगना है ना पत्नी को कितना पैसा देना पड़ता है? इतना पैसा क्यों मांगे? पैसा क्या करोगे? कम पैसा भी काम हो सकता है, है? आप देना 100 बार उसको कई बार देना पड़ता है। क्यों? वो सेवा करती है इसलिए उसको पता मेरी पत्नी कभी भी ये पैसा को बर्बाद नहीं करेगी, ये पैसा को सही सही रखा करेगी बच्चों को तभी करना। किसको द्वारा? बोले केवल सेवा के द्वारा। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं हमारे अंदर में हर समय सेवा करने की वृत्ति रहनी चाहिए। सेवा लेने का वृत्ति नहीं, सेवा करने का वृत्ति। सेवा के द्वारा ही आप इसको खुश कर सकते हो, है? सेवा ऐसे भी वृत्ति है। इसलिए कहते हैं यहाँ पर केवल मात्र सेवन मुख कर्म द्वारा ग्रहण करता है। वे हमारे अंदर में सेवन मुख वृत्ति को द्वारा कथा सुनना पड़ेगा। पूर्ण शरणागत होले आचार्य जन कृपाए सबई पावा जात। जब हम श्री गुरु जी के चरण में संपूर्ण रूप में शरणागत हो जाएंगे तब फिर उनकी कृपा से ही हमें सारे ब्रह्म विद्या प्राप्त हो सकती है। वैकुंठ में लोग छाड़ा वैकुंठ कथा ठीक ठीक क्या बोलते पाने में ना। बोले जो व्यक्ति वैकुंठ से नहीं आया, जैसे आप यहाँ से किसी दूसरे आप बड़ौदे में रहते हो, कहाँ रहते हो? बड़ौदे में रहते हो। जब बड़ौदे में रहते हो सब बड़ौदे की बात जानते हो, कहाँ पर क्या मंदिर, कहाँ पर क्या होता नहीं है कुछ। जब तुम और किसी जगह पर जाओगे फिर तो दूसरों को तो बता सकते हो भैया बड़ौदे में ऐसे होता है, बड़ौदे का जगह ऐसे है, बड़ौदे के लोग ऐसे है वहाँ पर, तभी तो आप बता सकते हो। फिर उसी तरह का गोलोक वृंदावन की कथा हमें कौन सुना सकता है ठीक ठीक से? जो गोलोक वृंदावन से आए हैं वही व्यक्ति ही वहाँ की कथा हमें सुना सकते हैं। इसलिए जिन्हें कलकत्ता देखे थे तार काछाई कलकत्ता कथा सुनते हुए तब एक खांटी संवाद का पावा जाए, कहते जो ठाकुर जी की लोगों को देखा है वही व्यक्ति ही सही सही उसकी बात को वही बता सकते हैं। इसलिए कहते आचार्य कौन है? आचार्य वही है जो भगवत वाणी को पिया बन करके ठाकुर जी को वाणी ठाकुर को ठाकुर से ला करके हमारे पास में जो पहुंचा देते हैं वही सचमुच से आचार्य है। लेकिन जो व्यक्ति अपना मनमानी ढंग से बोलते हैं, जो व्यक्ति अपना मनमान ढंग से बोलते हैं अरे सब कुछ नहीं होता, ये सब बेकार बेकार भगवान भगवान कुछ नहीं, शास्त्र शास्त्र कुछ नहीं, नहीं ऐसे नहीं। जो कुछ बात बताओ हमारी शास्त्र से बताओ, हमारी गीता रामायण भागवत वेद उपनिषद पुराण वो जो कहता है उसी बात को ही बताओ, क्योंकि जो शास्त्र है कहते धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतम भगवान ही की मुखार विद से ये समस्त वाणी निकली। अगर उसको जीवन में अगर पालन करेंगे तो हमारी जरूर हम भी एक दिन ठाकुर जी के पास में हम जरूर पहुंच जाएंगे। ठीक है बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, पितारी गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। हरे कृष्णा कृष्णा
श्री राधा विनोद बिहारी जी की जय। श्री श्री राधा गोपीनाथ गोविंद मदन मोहन जी की जय। बोले श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन चक्र जी के श्री शुभ संकीर्तन की जय। ओ विष्णुपाद अष्टोत्तर सत श्री श्रीमद भक्तिदास गोस्वामी गुरुदेव महाराज की जय। जय नित्यलीला प्रवेश विष्णुपाद अष्टोत्तर सत श्री श्रीमद भक्तिदास श्री नारायण गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्यलीला प्रवेश विष्णुपाद अष्टोत्तर सत श्री श्रीमद भक्तिदास श्री त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्यलीला प्रवेश विष्णुपाद अष्टोत्तर सत श्री श्रीमद भक्तिदास श्री मामुन गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्यलीला प्रवेश विष्णुपाद अष्टोत्तर सत श्री श्रीमद भक्तिदास श्री स्वामी महाराज की जय। जय नित्यलीला प्रवेश विष्णुपाद अष्टोत्तर सत श्री श्रीमद भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्यलीला प्रवेश विष्णुपाद अष्टोत्तर सत श्री श्रीमद भक्तिदास श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी परम गुरुदेव महाराज की जय। जय नित्यलीला प्रवेश विष्णुपाद अष्टोत्तर सत श्री श्रीमद भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्यलीला प्रवेश विष्णुपाद अष्टोत्तर सत श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी परम गुरुदेव महाराज की जय। जय नित्यलीला प्रवेश भक्ति सिद्धांत ठाकुर गोपाल जी की जय। परम श्री गौरकिशोर दास बाबू जी महाराज की जय। सप्तम गोस्वामी सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर जी की जय। वैष्णव साहब श्री जगन्नाथ दास बाबू जी महाराज की जय। जय श्री गोडे वेदांत आचार्य श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु जी की जय। जय श्री विश्वनाथ चौधरी ठाकुर जी की जय। जय श्री नरोत्तम दास श्री श्यामानंद पुरोहितराय की जय। जय श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी प्रभु जी की जय। जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ षटगोस्वामी प्रभु जी की जय। जय श्री रूपधाम ग्राम दुगोर पार्श्ववन जी की जय। जय श्री नाम आचार्य हरिदास ठाकुर जी की जय। प्रेम से गौ श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अधिक श्री कौर भक्तवृंद की जय। श्री मायापुर सीमादेव गोदुर्दी मोदी कौलदीप जनदीप मोदी गुरुदीपात श्री श्री नवदीप धाम की जय। श्री श्री वृंदावन धाम की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोपी गोवर्धन द्वादश पुनात्मी मंडल जी की जय। श्री द्वादनुपन जी की जय। श्री लांचन क्षेत्र जी की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्र सुदर्शन चक्र जी की जय। श्री विघ्न विनाशन श्री नरसिंह भगवान की जय। वक्षेश प्रहलाद महाराज जी की जय। चारों आचार्यों की जय। चारों परंपराओं की जय। चारों धामों की जय। श्याम कुंड राधा कुंड गंगा देवी यमुना देवी तुलसी भक्ति देवी जी की जय। श्री आके मठरा श्री चैतन्य मठ की जय। श्री देवानंद गोडी मठ की श्री केशव जी गोडी मठ की श्री गिरधारी गोडी मठ की जय। श्री दामोदर गोडी मठ की श्री रमन बिहारी गोडी मठ श्री रूप सनातन गोडी मठ श्री विनोद बिहारी गोडी मठ श्री श्री राधा गोविंद गोडी मठ की जय। अनन्य मठ स्वागत समूह की जय। श्री नाम संकीर्तन हरे कृष्ण महामंत्र की शुभ मंगल आरती जय। आज के उत्सव की जय। श्रीमद भागवत महापुराण की जय। बोलो श्री गुरुदेव जी की जय। श्री नृताय गौर परमानंद Thank you.